Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. Thank you very much for tuning into this video. If you are someone who's already subscribed, then you might know me. But for those who are new to this channel, hi, my name is Shamli. And in this channel, I post content related to fashion and beauty. So if it's something that you might like watching, do consider subscribing. I post videos every Sunday. Also, I'm active on shorts as well. So stay tuned for that. टाइटल आज का वीडियो होने वाला Pinterest Tops Hall. आप में से बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था की कि मैं एक मीशो टॉप्स हॉल बनाऊ तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक मीशो पिंट्रेस इंस्पायर टॉप हॉल लेके आऊँ सो हियर आई एम इफ या समान इंटरेस्टेड इन द पिंट्रेस दैशन दट वी ऑल आर सी ऑन द इंटरनेट देन दिस वीडियो इज फॉर यू इन दिस वीडियो आई विल Pinterest शोइंग यू गाइस रियली अफोर्डेबल watching. टॉप सो और बकवास ना करते हुए हम जल्दी से आज का हॉल शुरू करते हैं एंड दिस इज द फर्स्ट टॉप फॉर टूडे हॉल ये एक वाइट कलर का टॉप है जो बहुत ही क्यूट सा टॉप है ये मुझे बहुत पसंद आया था देखते ही मुझे ये पसंद आया था पे लेकिन व्हाइट खरीदना मीशो पे थोड़ा सा रिस्की हो जाता है इसमें और भी कलर ऑप्शन थे शायद से एक पिंक था एक ब्लैक

आता है और इसका फैब्रिक काफी अच्छा है बिल्कुल भी सीट्रो नहीं लगा मुझे ऑल्दो टू बी ऑन अ सेफर साइड मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसके साथ वाइट या न्यूट्रल अंडरगारमेंट्स ही पहने और न्यूट्रल अंडरगारमेंट्स के साथ ये सीट्रो नहीं है इसका फैब्रिक काफी अच्छा है थोड़ा सा थिक है मतलब बहुत ज्यादा गर्मियों में आप नहीं पहन पाएंगे थोड़ा सा गर्मी लग सकता है क्योंकि ये रिब्ड फैब्रिक है और थोड़ा सा थिक है इसका फैब्रिक इसका लेस का डिटेलिंग मुझे बहुत पसंद आया इतना क्यूट लग रहा है इसका लेस बहुत ही अच्छे से दिया गया है और एक फ्रंट में ऐसा छोटू सा बो भी दिया है बो तो आजकल कितना ट्रेंड कर रहा है मतलब हर जगह हो फुटवेर हो ड्रेसेस हो टॉप हो so तो पे भी एक बो है बहुत ही क्यूट लगा मुझे ये टॉप ये मुझे शायद से फोर समथिंग का पड़ा था एग्जैक्ट प्राइस तो मुझे अभी याद नहीं मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी आप चेक कर लेना एंड इफ यू गाइस आस्क मी मेरे हिसाब से ये टॉप बिल्कुल वर्थ बाइंग है मतलब इतना क्यूट लगा मुझे इसे पहनने के बाद आप इसको जीन्स के साथ स्कर्ट्स के साथ या ट्राउजर्स सा सा तो इसका फिटिंग भी काफी अच्छा है बहुत अच्छे से हक कर रहा था मेरे बॉडी को और ये लेंथ में उतना लंबा नहीं है मतलब इट्स नॉट क्रॉप लेकिन फुल लेंथ भी नहीं है थोड़ा सा शॉर्ट है वो आप देख लेना बाकी

भूलना मैं इसके लिंक्स वहां दे दूंगी तो अगर आपको खरीदना है तो आप वहां से खरीद सकते हैं सो दैट्स अबाउट इट फॉर टॉप अब हम चलते हैं इस हॉल के सेकेंड आइटम की ओर ओके सो दिस इज द सेकेंड टॉप दैट वी हैव एंड ये ब्लैक कलर का एक बेबी टी है मतलब ये दिखने में ऐसा लग रहा है कि किसी छोटे बच्चे का है लेकिन बिल्कुल भी नहीं है ये मेरे साइज का है और मुझे बहुत ही परफेक्टली फिट आ रहा है ये टॉप रिब्ड फैब्रिक में है इसमें भी मैंने एस साइज लिया है एंड दिस टॉप इज वेरी अफोर्डेबल ये शायद से मुझे वन या समथिंग का पड़ा था एंड प्राइस के अकॉर्डिंग द क्वालिटी इज अ टॉप नॉच गाइस अगर आपको एक बहुत ही अफोर्डेबल टॉप लेना है मतलब एवरीडे यूज के लिए तो ये बहुत ही परफेक्ट सा टॉप है मुझे तो बहुत पसंद आया बिल्कुल आ रहा है। और ये ऐसा जितना का था ये भी उतने तक ही आता है और यहाँ पे ऐसा व्हाइट में डिजाइन बना हुआ है यहाँ पे ऐसा स्टिचिंग दिया हुआ है साइड में व्हाइट कलर में जो मतलब स्टैंड आउट करवा रहा है इस टॉप को बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये Detailing. और ऐसा एक टॉप मैंने पे देखा था तो जब मैंने ये मीशो पे देखा आई वॉज लाइक वाई नॉट आई गेट दिस आई एम सो थैंकफुल की मैंने ये खरीदा बहुत ही अच्छा सा टॉप है मतलब कोई नहीं बोल सकता की इस टॉप को आपने टू हंड्रेड रुपीज के अंदर खरीदा है द क्वालिटी इज वेरी गुड अकॉर्डिंग टू द प्राइस बहुत ही अच्छा फेब्रिक क्वालिटी डिजाइन प्रोवाइड कर रहे हैं ये लोग मतलब इतने कम प्राइस में इससे ज्यादा आपको कहीं भी नहीं मिल सकता मतलब नॉट पॉसिबल कि इतने कम प्राइस में इतना अच्छा मतलब एक कपड़ा दे सके मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये रिब्ड फैब्रिक में आएगा मुझे ऐसा लगा था कि स्पेंडेक्स या समथिंग ऐसा पॉलियस से काइंड ऑफ कुछ फैब्रिक आएगा लेकिन आई वॉज वेरी शॉक जब मैंने इसको देखा जब मैंने इसको खोला फील किया एंड व्हेन आई वोर इट आई जस्ट फेल इन लव मुझे बहुत पसंद आया मेरे पास एक ऐसा बेबी टी था नहीं अब मैं सोच रही हूँ कि मैं एक दो और मंगवा लू और ऐसे सेम बेबी टीज मैंने देखा था मीशो पे आप मुझे बताना अगर आपको और ऐसे बेबी टीज देखने हैं देन मैं जरूर से खरीदूंगी और एक वीडियो बनाऊंगी ताकि आप सबको भी खरीदने में हेल्पफुल हो मुझे तो बहुत पसंद आया ये यहाँ पे ऐसे नीचे भी वो स्टिचिंग दिया हुआ है व्हाइट में मतलब जो ब्लैक में स्टिचिंग होना चाहिए वो इन लोगों ने व्हाइट में दिया है ताकि एक थोड़ा सा डिजाइन यूनिक सा बन जाए बहुत ही पसंद आया मुझे आई एम लव टॉप अगर आप एक ऐसा sure को बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे जैसे मैं रिग्रेट नहीं कर रही हूँ मुझे तो बहुत पसंद आया आई एम वेरी हैप्पी वन नाइनटी रुपीज में आई कुडेंट है तो इतना भी एक्सपेक्ट नहीं किया था सो आई एम वेरी बिल्कुल अच्छा मत भूलना मैं वहां पे इसके भी links दे दूंगी तो अगर आपको ये खरीदना है आप वहां से खरीद सकते हैं ओके okay, सो so that's अबाउट इट फॉर desktop एज वेल अब हम चलते हैं इस हॉल के तीसरे आइटम की ओर ओके सो दिस इज द थर्ड टॉप दैट वी हैव एंड ये एक बहुत ही प्रिटी सा फ्लोरल प्रिंट वाला टॉप है ये कुछ ऐसा दिखता है ये मुझे शायद से थ्री हंड्रेड समथिंग रुपीज का मिल गया था एग्जैक्ट प्राइस तो मुझे इसका भी याद नहीं मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी आप चेक कर लेना एंड फॉर द प्राइस पॉइंट द क्वालिटी द डिजाइन इज अस्ट टॉप नॉच मुझे नहीं लगता ये टॉप आपको कहीं और थ्री हंड्रेड रुपीज में मिल जाएगा ऐसा एक सिमिलर सा टॉप मेरे पास है जो मैंने अरबेनिक से लिया था वो शायद से थाउजेंड या ट्वेल्व हंड्रेड समथिंग का था बहुत ही सिमिलर है मैं देखूंगी अगर मुझे कोई पिक्चर मिले उस अर्बेनिक टॉप का देन मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी आप देख लेना बहुत सिमिलर है लेकिन ये मुझे उसके वन फोर्थ प्राइस में ही मिल गया आई एम सो हैपी इतना अच्छा क्वालिटी है इसका बहुत ही सॉफ्ट सा फैब्रिक है और ये फुल स्लीव में आता है यहाँ पे ऐसा इलास्टिक दिया हुआ है बीच में और एंड में भी मतलब एक थोड़ा सा ना पफ काइंड ऑफ हो जाता है पहनने के बाद ये स्क्वायर नेक टॉप है और पीछे से भी ये स्क्वायर नेक है और यहां पे ऐसा इलास्टिकेटेड है ताकि ये बहुत अच्छे से आपके बॉडी को हग कर पाए ऐसा टॉप मुझे नहीं लगता आपको कहीं भी अंडर 400 मिल जाएगा ये सिर्फ मीशो पे ही पॉसिबल है मतलब मीशो तो कभी कभी पूरा शॉक ही कर देता है मतलब इस हॉल के सभी आइटम्स ने ही मुझे शॉक कर दिया सभी अंडर 500 है एवरीथिंग इज अंडर 500 लेकिन द क्वालिटी इज सो गुड माय गॉड व्हाट कैन आई टेल यू इतना अच्छा फैब्रिक है डिजाइन एवरी इज सो गुड एंड दैट टू अंडर फाइव ये मतलब बहुत ही अनबिलीवेबल काइंड ऑफ डील्स है क्योंकि आजकल 500 में एक अच्छा टॉप नहीं मिलता आई नो ये पेन मुझे पता है बहुत ही प्राइसी हो गए हैं तभी शायद मीशो हमारे रेस्क्यू के लिए आया है हाँ कभी कभी गुगली हो जाता है मीशो पे लेकिन कभी कभी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट आ जाता है तो मतलब वो एक मैचअप हो जाता है ओके सो कमिंग बैक टू द टॉप ये बहुत ही सा टॉप है और बहुत ही फ्लोरल एंड समरी वाइब है इसमें मतलब समर्स के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट सी टॉप है बहुत ही अच्छा लगेगा बिल्कुल पिंट्रेस्ट लुक आ रहा है मुझे तो बहुत पसंद आया ये टॉप अगर आप एक ऐसा फुल स्लीव सा फ्लोरल टॉप देख रहे हैं देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस मुझे तो ये बहुत पसंद आया मैं इसके भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आपको ये खरीदना है तो आप वहां से खरीद सकते हैं और इस टॉप के फ्रंट में ऐसा दो टाइप दिया हुआ है जिसमें एक मैंने अभी वो बनाया हुआ है क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी ट्राई कर लिया है तो मैंने इसको ऐसे ही टाई अप करके रखा था सो दिस इज हाउ द टाई अप डिटेलिंग लुक्स लाइक एंड फ्रंट में एक ऐसा छोटू सा वी बना हुआ है तो अगर आप इसे टाई करके ऐसा एक्सपैंड कर देते हैं तो ये ढक जाता है कुछ भी फ्लैश नहीं होगा आप उसका टेंशन मत लेना और अगर आपको ये पूरा सिक्योर करना है तो आप इसको ऐसे करके एक सेफ्टी पिन लगा लीजिए बिल्कुल भी सिक्योर हो जाएगा लेकिन मैं ऐसे ही कंफर्टेबल हूँ तो मैंने ऐसे ही पहन लिया मुझे तो बहुत पसंद आया ये टॉप इसका क्वालिटी इसका डिजाइन एवरी मतलब आराम से अगर आप कहीं और खरीदो जैसे मैंने बोला इसके जैसा सिमिलर टॉप मैंने अर्बेनिक से थाउजेंड या ट्वेल्व हंड्रेड दे के खरीदा था तो इसको देख के कोई भी नहीं बोलेगा कि ये आपको अंदर फाइव हंड्रेड मिल गया इतना अच्छा है ये प्रोडक्ट इतना अच्छा डील है अगर आपको ये देख के अच्छा लगा देन आई विल हाईली रिकमेंड यू गाइज टू गेट दिस टॉप ये बहुत जल्द आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है ट्रस्ट मी तो आप सबको खरीदने का मौका भी नहीं मिलेगा एंड यू गाइज विल मिस दिस ब्यूटी तो जल्दी से जाके इसको खरीदो लेकिन रुको लास्ट टॉप भी देख के जाओ क्या पता आपको वो भी पसंद आ जाए सो अबाउट इट फॉर दिस टॉप एज वेल अब हम चलते हैं इस हॉल के आखिरी टॉप की ओर सो कमिंग टू द लास्ट टॉप है मतलब हर जगह मुझे इंस्टाग्राम हो यूट्यूब हो एवरी वेयर मुझे ये टॉप दिख रहा था पिंट्रेस में भी मुझे ये टॉप दिख रहा था सो आई वॉज लाइक मैं क्यों पीछे रहूं आई शुड ऑल्सो गेट दिस टॉप तो मैंने ये खरीद लिया एंड ये मैंने एक न्यूट्रल कलर जो है बेज में खरीदा है मतलब इसमें और कलर ऑप्शन थे ब्राउन था ब्लैक था पिंक था लाइलेट था ग्रे था लेकिन मैंने ये लिया और इसको लेने के बाद नाउ आई एम थिंकिंग कि मैं एक और कलर में इसको शायद से परचेज कर लूं लेट्स सी मैं करती हूँ कि नहीं अगर मैं करती हूँ देन आप सबको तो पता ही चल जाएगा सो कमिंग टू दिस टॉप ये भी मुझे 400 एंड समथिंग रूपीज का पड़ा है एंड फॉर द प्राइस पॉइंट इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है ये भी रिब्ड फेब्रिक में आता है मतलब फोर हंड्रेड समथिंग रूपीज में इतना अच्छा टॉप तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था एग्जैक्ट प्राइस तो मुझे इसका भी याद नहीं मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी आप चेक कर लेना एंड इस टॉप को देख के कोई भी नहीं बोलेगा कि ये एक अंडर 500 वाला टॉप है इसका क्वालिटी पूरा एचएनएम वाला क्वालिटी है बहुत ही अच्छा लगा मुझे इतना अच्छा मैंने तो बिल्कुल भी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा आएगा इसका और कोई भी दाग धब्बे कुछ भी नहीं है मीशो पे ऐसे लाइट कलर खरीदने जाओ तो कुछ ना कुछ दाग धब्बा आता ही है लेकिन इस हॉल में जितने भी आइटम्स थे जैसे मैंने पहले ही बोला कोई भी डिफेक्ट कुछ भी नहीं था इतना परफेक्ट परचेज मेरा आज तक नहीं गया है मीशो पे ये फर्स्ट है जहाँ पे किसी में भी कोई इश्यू नहीं है आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट मुझे तो बहुत पसंद आया और ये जैसे मैंने बोला एक रिब्ड फैब्रिक में है ये फुल स्लीव्स में आता है और स्लीव्स के नीचे का पैटर्न कुछ ऐसा मतलब एक ऐसा डिटेलिंग दिया हुआ है प्लेन नहीं छोड़ा गया है बहुत ही क्यूट सा डिटेलिंग लगा मुझे ये और ये थोड़ा सा ऑफ शोल्डर काइंड ऑफ मतलब वन शोल्डर काइंड ऑफ एक टॉप है और फ्रंट और बैक में एक ऐसा एक ट्राइंगुलर शेप में ऐसा मतलब एक लंबा सा फैब्रिक है दोनों ही तरफ दिया गया है और स्लीव्स के एंड में जो डिजाइन दिया गया था इसमें भी वही डिजाइन दिया

ये टॉप लेकिन आप पूरे समर्स में नहीं पहन पाएंगे मतलब इसका फैब्रिक थोड़ा सा थिक है रिब फैब्रिक है क्योंकि तो मतलब बहुत ज्यादा गर्मियों में थोड़ा सा आपको गर्मी लग सकता है लेकिन अभी के वेदर के लिए मतलब फैब मार्च ऐसे वेदर के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट सी टॉप है थोड़ी थोड़ी ठंडी जब रहती है तब के लिए ये बहुत परफेक्ट सा टॉप है लेकिन जून जुलाई में आप इसको नहीं पहन पाएंगे थोड़ा सा गर्मी तो इसमें लगेगा दैट्स फॉर श्योर रिब्ड फैब्रिक तो वैसे भी थोड़ा सा गर्म होता है और इसका मटेरियल थोड़ा सा थिक है तो उसके वजह से थोड़ा सा मतलब गर्मी होगा इसमें लेकिन अभी के लिए तो इस वेरी परफेक्ट मुझे तो तो बहुत बहुत पसंद आया मैं तो इसको पहनने वाली हूँ स्कर्ट्स के साथ ट्राउजर्स के साथ जीन्स के साथ सबके साथ ये बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप एक मिनी स्कर्ट पहन लो एक नी हाई बूट्स डाल लो थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड बैग ले लो बिल्कुल सॉर्टेड यू विल लुक सो क्लासी सो शेक और एक पेर ऑफ सनग्लास अब बिल्कुल मत भूलना बहुत ही अच्छे लगेंगे बिल्कुल Pinterest सा और उसके बाद फोटोस खींचो रील बनाओ सब कुछ करो इतना अच्छा लगने वाला है मैंने तो इसको लेकर काफी लुक सोच लिया है। अगर आप सबको भी देखना है तो मुझे कॉमेंट्स करके बता देना मैं शॉर्ट्स पे इसके स्टाइलिंग वीडियो डाल दूंगी ताकि आप सबको भी थोड़ा सा हेल्पफुल हो और आप भी थोड़ा सा इसको अलग अलग वे में स्टाइल कर पाए एंड अगर आपको ये खरीदना है देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल बिल्कुल मत मैं वहाँ पे इसके भी लिंक दे दूंगी तो अगर आपको खरीदना है आप वहाँ से खरीद सकते हैं सो दैट्स अबाउट इट फॉर टॉप एज वेल एंड इसी के साथ हमारा आज का हॉल यही पे खत्म होता है आई होप यू गाइस लाइक